प्यारे बच्चों नमस्कार। आज मैं आपको कबीर दास द्वारा रचित शबद पढ़ाने जा रही हूँ। शबद पढ़ाने से पहले मैं आपको कबीर दास जी का जीवन परिचय बता रही हूँ। कबीर दास भक्तिकालीन निर्गुण परंपरा के प्रमुख कवि हैं। सन 1398 में काशी में उनका जन्म हुआ और सन 1518 के आसपास मगहर में देहांत हुआ। कबीर दास जी ने विधिवत शिक्षा नहीं पाई थी, परंतु सत्संग, पर्यटन तथा अनुभव से उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया था। इनकी रचनाएं मुख्यतः कबीर ग्रंथावली में संग्रहित हैं, किंतु कबीर पंथ में उनकी रचनाओं का संग्रह बीजक ही प्रमाणिक माना जाता है। कुछ रचनाएं गुरु ग्रंथ साहब में भी संकलित हैं। कबीर अत्यंत उदार, निर्भय तथा सतग्रहस्थ संत थे। राम और रहीम की एकता में विश्वास रखने वाले कबीर दास ने जीवन के नाम पर चलने वाले हर तरह के पाखंड, भेदभाव और कर्मकांड का खंडन किया है। कबीर की भाषा की सहजता ही उनकी काव्यात्मकता की शक्ति है। उन्होंने अपने काव्य में ब्रज, अवधि, पंजाबी, राजस्थानी, अरबी फारसी आदि शब्दों का प्रयोग किया है। कुछ विद्वान उनकी भाषा को सदुकड़ी या पंचमेल खिचड़ी कहते हैं। उन्होंने दोहों, पदों और की रचना की, जिसमें लगभग सभी अलंकारों का समावेश है। आज मैं आपको कबीर दास का पहला शबद पढ़ाने जा रही हूँ। इस शबद में बाह्य आडंबरों का विरोध किया है। सबसे पहले मैं शबद पढ़ रही हूँ। मोह को कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना मैं देवल ना मैं मस्जिद ना काबे कैलाश में, ना तो कौनो क्रिया कर्म में ना ही योग वैराग में, खोजी हो तो तुरत ही मिली हो पल भर की तलाश में, कहे कबीर सुनो भई साधो सब सांसों की सांस में। सबसे पहले हम कठिन शब्दों के अर्थ जानेंगे। मोको, मोको शब्द का अर्थ है मुझको। बंदे, मनुष्य के लिए आया है। देवल, देवालय या मंदिर। काबा, काबा मुसलमानों का तीर्थ स्थल है। कौनों का अर्थ है किसी। क्रिया कर्म, मनुष्य द्वारा ईश्वर प्राप्ति के लिए किए जाने वाले कर्म। योग, योग साधना। बैराग, वैराग्य। तुरतई, इसका अर्थ है तुरंत। मिली हो, मिलेंगे। तालाश, यह तद्भव शब्द है जिसका अर्थ है खोज। अब मैं आपको इसका भावार्थ बताऊंगी। इस शब्द में कबीर दास जी ने बाह्य आडंबरों का विरोध करते हुए कहा है कि ईश्वर हर व्यक्ति के हृदय में विराजमान है। मोको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में। मनुष्य जीवन भर ईश्वर को पाने का उपाय करता है तथा विभिन्न प्रकार की क्रियाएं करता है, परंतु उसे प्रभु के दर्शन नहीं होते हैं। इस संबंध में स्वयं निराकार ब्रह्म मनुष्य से कहते हैं, मोको कहाँ ढूंढे बंदे, कि हे मनुष्य तू मुझे कहाँ ढूंढता जा रहा है, मैं तो तेरे पास में, मैं तो सदैव तेरे पास में ही हूँ, अर्थात तेरे हृदय में विराजमान हूँ। ना मैं देवल ना मैं मस्जिद ना काबे कैलाश में, मुझे ना तो मंदिर में तुम ढूंढ सकते हो, ना ही मस्जिद में। काबा और कैलाश जाने की भी आवश्यकता नहीं है, अर्थात मुझे पाने के लिए तुम्हें मंदिर, मस्जिद, काबा और कैलाश आदि तीर्थ स्थानों में जाने की आवश्यकता नहीं है। ना तो कोनो क्रियाकर्म में, ना ही योग विराग में, और मुझे किसी भी प्रकार के बाह्य आडंबरों के द्वारा नहीं खोजा जा सकता। बाह्य आडंबर यानी कि जो बाहरी दिखावा होता है, यानी कि हम मंदिर जा रहे हैं, मस्जिद जा रहे हैं, ईश्वर को पाने के लिए हम काबा कैलाश आदि तीर्थ स्थानों में जा रहे हैं, ऐसा नहीं है। और ना ही योग वैराग में, और ना ही योग के माध्यम से या वैराग्य के माध्यम से मुझे पा सकते हो। खोजी होए तो तुरत ही मिली हो पल भर की तलाश में, जो
यदि तुम मनुष्य सच्ची श्रद्धा और भक्ति से सच्चे मन से मुझे खोजने का प्रयास करेगा तो मैं उसे एक पल में एक क्षण में मैं उसे प्राप्त हो जाऊंगा। अर्थात मुझे पाने के लिए किसी भी प्रकार के बाह्य आडंबर कर्मकांड योग वैराग आदि लेने की आवश्यकता नहीं है। मुझे तो सच्चे मन से जो भी मुझे स्मरण करता है उसे मैं एक ही क्षण में मिल जाता हूँ। कहे कबीर सुनो भई साधो सब सांसों की श्वास में। कबीरदास जी कहते हैं कि मनुष्य जो है वो हर व्यक्ति के हृदय में विराजमान है, अर्थात उसे ढूंढने के लिए कहीं भी इधर उधर भटकने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ईश्वर हर मनुष्य के हृदय में निवास करता है। अब मैं आपको इसका शिल्प सौंदर्य बताऊंगी। इस शब्द में कबीरदास जी ने सबसे पहले बाह्य आडंबरों का विरोध किया है। कबीरदास जी की भाषा सदुक्कड़ी है, जैसे कि पंचमेल खिचड़ी कहते हैं। इसमें उन्होंने तलाश मोको जैसे तद्भव शब्दों का प्रयोग किया है और कहीं कहीं उन्होंने तत्सम शब्दों का भी प्रयोग किया है। कौनो क्रियाकर्म सब सांसों की श्वास में कहे कबीर, इन सब में अनुप्रास अलंकार की छटा दर्शनीय है। अनुप्रास अलंकार वो अलंकार कहलाया जाता है जब कविता में एक ही वर्ण की बार बार आवृत्ति होती है, तब वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है। इसमें मां और सा की बार बार आवृत्ति हुई है। इसमें यह कविता तुकांत है, अर्थात इस कविता का अंत जो है वो सारी पंक्तियों का अंत एक दूसरे से मिलता हुआ है। बच्चों आशा करती हूं कि इस शब्द का अर्थ और शिल्प सौंदर्य आपको भली भांति समझ में आ गया होगा।